तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन मलिक और आप देख रहे हैं रोन इन दी गेमिंग। तो आज मैं लॉजिटेक के G4 ऑटो गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाला वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट एवर मेड माउस था उस टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पे रिलीज़ हुआ था। लेकिन अब G5 O2 और G6 O2 उसके आते रहे, आगे आगे मॉडल आते रहे हैं। तो देखते हैं कि आज भी 2020 के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट माउस है या नहीं। बजट के अंदर, बजट तो नहीं कह सकते, मिड बजट कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा कम। अगर आप मिड टायर पीसी बनाना चाहते हैं, जैसे आप 2060 या फिर 2070 इसमें लगाना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी आपकी। तो देखते हैं कि आज भी 2020 के अंदर ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्या यह फ्लैगशिप माउस है, आपके लिए लेना सही रहेगा। पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। सामने सामने आपको डब्बे के ऊपर इसका लॉजिटेक का माउस बना हुआ दिख जाता है और साइड में आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई। और पीछे जब डब्बे को टर्न करते हो तो आपको इसमें लिखा जाता है ऑप्टिकल गेमिंग सेंसर है, इसमें एक्सोवी डेल्टा 0 टेक्नोलॉजी वाला हाई स्पीड फ्यूजन इंजन है, और जो कि 420 FPS के आसपास के लिए बना गया है। और 8 प्रोग्रामेबल बटन है इसमें DPI शिफ्ट के साथ। तो DPI शिफ्ट वाला बटन जो आपने साइड में देखा होगा होता है बड़ा सा, दो बटन होते हैं उनके नीचे, मैं आपको दिखा दूंगा एंड में। तो चलिए देखते हैं डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या स्टफ देखने को मिलते हैं। चलिए खोलते हैं इसको। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार है वीडियो की, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो चलिए अभी खोलते हैं यहाँ से। जैसे हम 3 महीने पहले खोल रखी थी, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी के लिए दोबारा इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले देखते ही लॉजिटेक के लोगों का स्टिकर देखने को मिल जाता है, तो साइड में फेंकते हैं, अभी बाद में चिपकाएंगे, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर चिपका दूंगा मोटर बोर्ड के ऊपर। तो ये हमें माउस देखने को मिल जाता है यहाँ पे, वे पैड और साथ में केबल भी, इसमें कोई वो हो रही थी मतलब कि बंधी हुई थी, लेकिन मैंने इसको खोल दिया था, अभी टेस्ट करा था चला के, तो मैंने दोबारा फॉर्मेलिटी के लिए इसको पैक कर रखा है। अब इसको साइड में रखते हैं अभी हम, तो अंदर और देख लेते हैं सामान और क्या देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे सामान हमें अंदर देखने को मिलता है, जैसे लॉजिटेक का मैनुअल देखने को लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे कुछ इसके मैनुअल्स हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे लॉजिटेक के बारे में लिखा हुआ है, ब्रांड है ये लॉजिटेक, ये वो, कि यहाँ पे आप इस वेबसाइट से जाके इसकी कुछ डाउन कर सकते हैं जो भी है। और यहाँ पे इसके वो दे रखा है कि जो डिस्क्लेमर वगैरह डिस्क्लेमर लिख देते हैं। और यहाँ पे लॉजिटेक का ये दे रखा है, logitech.com की एक तरीके से एडवर्टाइज़ कर रखी है। और इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पे हमें जैसे फोर्टनाइट देखने को मिल रही है, और सारे के सारे गेमिंग गेयर्स हैं जो लॉजिटेक के, वो देखने को मिल रहे हैं कि ये आप ख़रीद सकते हैं लॉजिटेक के गेमिंग गेयर जो बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो यहाँ पे बस यही कर रखा है कि आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और जो आप पीछे राउटर देख रहे हैं उसकी भी अनबॉक्सिंग में जल्द से जल्द आने वाला हूँ, तो चिंता मत करिए, ये भी मैंने एक साथ ही ख़रीदा है। चलिए इस माउस को अब इस प्लास्टिक के उसमें से निकालते हैं। निकालने के बाद जो इसको पकड़ने की फील आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। ये मतलब कि जो आपका नॉर्मल माउस होता है, बेसिक माउस, उसके सेम जैसा वेट जैसा ही है, लेकिन मतलब कि हाँ, बाकी गेमिंग माउस जो मैंने आज तक पकड़े हैं उनसे बहुत हल्का है ये। और जैसे कि मैंने एंटी स्पोर्ट का माउस यूज़ करा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, जो GM 300 यूज़ करा था मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये। और साथ ही साथ इसे क्लिक्स जो मैकेनिकल क्लिक्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब पता नहीं इसमें कौन से स्विचेस यूज़ कर रखे हैं, मैं आपको देख के बता देता हूँ। अगर आप पाम ग्रिप या फिर क्लॉक ग्रिप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस माउस पे शिफ्ट करते समय, थोड़ा हाँ 1-2 दिन लग जाएंगे आपको, तो आप फिर उसको आराम से फिर यूज़ कर सकते हो इस माउस को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्विच होने में, ज़्यादा 1-2 दिन लगेंगे। और ये माउस बहुत ही अच्छा है, साइड में आपको DPI का बटन देखने को मिल जाता है, मतलब कि DPI की लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाती है 3, जैसे आप DPI चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपको लाइट इंडिकेट कर देगा वो। और साथ में लॉजिटेक का ब्लू कलर का लोगो चलते हुए दिख जाता है आपको, जिसमें जैसे ब्रीथिंग इफेक्ट है और नॉर्मल इफेक्ट, नॉर्मल मतलब कि स्टैटिक इफेक्ट है। और साथ में आप लाइट से मतलब इतना लेना देना नहीं है, RGB इसमें नहीं है, जो कि आप सोचो इससे नॉर्मल
ब्लू ही लाइट चलेगी। और साथ में जो ऊपर की फिनिशिंग दे रखी है, अगर आप ग्रिप को देखें तो ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, G5 ऑटो की जैसे तो नहीं है, आप उससे कंपेयर कर नहीं सकते इसको बिल्कुल भी। लेकिन इस प्राइस के बजट के अंदर, इस प्राइस के अंदर बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप है इस माउस की। तो चलिए इसके क्लिक्स बता दूँ, तो आपको क्लिक्स बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे आप क्लिक की आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखिए, क्लिक की आवाज़ कुछ ऐसी है इनकी। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि आपको इधर नॉइस करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल मैंने माइक के साथ में रखा तो तब मैंने इसको दबाए हैं। अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने माउस देखे हैं उनकी क्लिक की आवाज़ बहुत नॉइसी होती है, इसकी क्लिक की आवाज़ इतनी नॉइसी नहीं है, नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल बेसिक माउस जैसे यूज़ करते हैं आप, उनकी जैसे क्लिक की आवाज़ है इसकी नॉर्मल। और साथ में क्लिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर आप माउस को लेते हैं तो लॉजिटेक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है आपको, मतलब एक तरीके से सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक तरीके से आपको जल्द से जल्द वो एक तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस, अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट माउस मुझे आज तक लगा है। तो ये माउस मुझे मार्केट में, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।